अभी अभी मेरे दोस्त शेखर का फोन आया था नासिक से, वहां जेलर है। उसने बताया कि नासिक जेल से एक खूंखार कैदी बॉबी अपनी सजा काटकर रिहा हुआ है। अब ये जिम्मेदारी हमारे क्राइम ब्रांच की है कि अपने शहर में उससे कोई वारदात ना होने दे। जो राज आपने परसों से अपने पति से छुपा के रखा हुआ है उसकी खबर मुझे भी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अभी अभी जेल से रिहा होकर आया हूँ, ना कोई वारदात की है ना किसी को उठाया है, फिर भी आप ऐसा करना भी वरना खुद भी उठ जाओगे। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। होटल जसलोक, रूम नंबर 105, कल रात 9 बजे। कोई है? हेलो, एनीबडी इन? रोमा, रोमा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। ओके, पता है वहां पार्टी में तुम्हारे बगैर एक पल के लिए भी मेरा दिल नहीं लगा। रोमा यार जल्दी करो। आ गए आप? कैसी रही पार्टी? ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हारा राज जानने की कोशिश कर रहा हूं। राज? कैसा राज? कोई राज तो है जिससे मैं बेखबर हूं। कैसी बातें कर रहे हैं विनोद? मैं कुछ समझी नहीं। भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? तो फिर बताओ ना। क्या बताओ? यही कि क्या वजह है कि शादी के इतने सालों बाद भी तुम वैसी की वैसी ही हो और मैं बुढ़ा होता जा रहा हूं। ओह, ये राज। हाँ, ये राज। राज है आपका प्यार,
जिसकी वजह से मुझे अपने आप पर घमंड होता जा रहा है। प्यार तो मैं तुमसे करता हूं, बेइंतहा करता हूं, और तुम? उफ़, दिन में कितनी बार ये सवाल करते हैं मुझसे, मैं भी आपसे बेहद प्यार करती हूँ। जानता हूं, फिर पूछा क्यों? तुम्हारे मुंह से यही बात सुनने का बार बार दिल करता है। पागल। जसलोक, क्या हाल है आप? तुम लड़कियां भी कितना टाइम लेती हो तैयार होने में, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और तुम हो के बालों की उलझन उलझी हुई हो। देखो ना कितनी बुरी तरह से उलझ गए मेरे बाल, सुलझाते सुलझाते तंग आ गई। इसका इलाज तुम्हारे सामने रखा और तुम्हें खबर तक नहीं। मतलब? अगर चाहती हो सुलझे सुलझे बाल तो इस्तेमाल करो इसका रिजॉयस शैम्पू, बालों की उलझन से सुलझन। रियली? थैंक्स। अब जल्दी करो। ओके। वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द पार्टी। हेलो हेलो, अरे कहां हो तुम? जी सर, सर वो दरअसल मैं यहां बालों की उलझन को, मेरा मतलब है एक केस को सुलझा रहा हूं सर। इडियट, बकवास बंद करो, इधर हादसा हो चुका है। क्या सर, इसका मतलब वहां भी उलझन? आई से शट अप और मेरी बात ध्यान से सुनो। आई एम रेडी। कितने खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे बाल। चले। सॉरी लारा, पार्टी कैंसिल। फिर से क्या करें, ये यमराज का फोन आ गया, अपने एसीपी विजय। हाय, इन बालों को किसी की नजर ना लग जाए। बाय। सर ये तो बॉबी है, ये वही बॉबी है जिसके बारे में कमिश्नर साहब ने हमें आगाह किया था, लेकिन ये यहां इस होटल में क्या कर रहा था? सर ये इस होटल के मैनेजर मिस्टर रॉबिन। कब आया था ये यहां? सर 3 दिन पहले। होटल के रिकॉर्ड्स में इसने अपना क्या नाम दर्ज करवाया था? अमर जी, रेजिडेंशियल एड्रेस चंडीगढ़ का है, वैसे बादशाह से तो शरीफ आदमी लगता था। आपको गलतफहमी है, इसका नाम अमरजीत नहीं बॉबी था। ये कुछ दिन पहले ही नासिक जेल से छूटकर आया था। इसने कई वारदातें की हैं, जैसे कत्ल, डकैती और लोगों का अगवा करना। इसके खून की तलाश किसने दी थी? हमारे होटल के वेटर नेल्सन ने। क्या आप उसे बुला सकते हैं? जी हाँ, जाइए। हाँ तो निशा जी, क्या कहती हैं आप? सर इस खून में जरूर किसी औरत का हाथ है, क्योंकि जमीन पर पड़े खून में किसी औरत के सैंडल के निशान पाए गए हैं। सर ये नेल्सन है। कुछ बताया? हाँ सर, ये हर रोज की तरह कमरे में चाय देने गया था, अचानक वहां से दौड़ता हुआ मेरे पास आया और इसने बताया कि 105 नंबर रूम के गेस्ट का कत्ल हो गया है। मैं दौड़कर कमरे में आया सर, मैंने देखा वहां लाश पड़ी है। मैंने अपने जीएम साहब को कहा कि पुलिस को बुलाओ। ठीक है मैनेजर साहब, मैं उन सब लोगों से मिलना चाहूंगा
जो रात को ड्यूटी करते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपर। ओके सर, चलिए। ये अलीशा है, होटल की रिसेप्शनिस्ट, कल रात ड्यूटी पर यही थी। अलीशा, कल तुम कितने बजे से ड्यूटी पर थी? मेरी ड्यूटी सेकेंड शिफ्ट की है, मैं 3 बजे आती हूँ और 10 बजे वापस चली जाती हूँ। कल तुम्हारी ड्यूटी के दौरान कोई भी शख्स इस रूम में रहने वाले गेस्ट से मिलने आया? जी हाँ, रात के 9 बजे एक औरत आई थी, बहुत खूबसूरत थी, किसी अमीर घर की बहू लग रही थी। बहू लग रही थी, ये तुम कैसे कह सकती हो? उसकी मांग में सिंदूर और माथे की बिंदिया देखकर। सर, इसने भी उस औरत को कमरे से बाहर आते हुए देखा। इसका कहना यह है कि वो बेताशा भागी जा रही थी। इसने उस औरत का हुलिया मुझे बताया। इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैंने ये स्केच तैयार करवाया, देख लीजिए। और हाँ सर, उसी कमरे से बॉबी ने 3 बार एक ही नंबर पर फोन किया। मैंने एड्रेस का पता किया है, 5 शांति निवास गोखले मार्ग। हेलो, हेलो, किसका फोन था विनोद? ब्लैंक कॉल। तुम्हें याद है मैंने कहा था भाई, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसके घर में ब्लैंक कॉल्स तो आएंगे। देखिए आ गया ब्लैंक कॉल। अरे क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? तुम्हारा बदन एकदम ठंडा हो रहा है, कांप रही हो? नहीं तो। एक क्षण, मैं डॉक्टर माथुर को फोन लगाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्योर? हाँ। कौन आ गया? मैं देखता हूँ। आप रुकिए ना, मैं देखती हूँ। नमस्ते मैम साहब। मेम साहब, कल आपका ये पर्स होटल में गिर गया था। मैंने इसमें आपका कार्ड देखा तो मैं इसे वापस करने चला है। थैंक यू सो मच। कॉल है रोमा। थैंक यू। कोई नहीं। इस पर्स पर पड़े खून के धब्बों का आप क्या करेंगे? जी कौन है आप लोग? एसीपी विजय क्राइम का। इंस्पेक्टर अजय। क्या चाहते हैं आप? हम आपकी पत्नी को बॉबी नाम के शख्स के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। नहीं विनोद, ये खून मैंने नहीं किया विनोद। एक मिनट एसीपी साहब, कोई भी एक्शन या कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत सोच लीजिएगा, यह हमारी इज्जत का सवाल है, वरना बाद में आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मेरी पत्नी आज सुबह से घर से कहीं भी नहीं निकली है, तो फिर आप उसे किसी का कत्ल के जुर्म में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए मिस्टर महल, अभी अभी जो शख्स आपकी पत्नी को यह पर्स देकर गया है वो होटल जसलोक का बेल बॉय है, जिसके रूम नंबर 105 में बॉबी नाम के शख्स का कत्ल हुआ है, और आपकी पत्नी उस रूम में गई थी। उसका सबूत है इनके पर्स पर लगे खून के धब्बे, जिन्हें हम सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मैंने गिरफ्तार करते हैं। मैडम प्लीज कम बता। एक मिनट, मुझे अपने लॉयर को बुला ले। आप अपने लॉयर से बात करते रहिए, ये हमारे साथ जा रही हैं। चलिए। डोंट वरी रोमा, मैं सब संभाल लूंगा। चलिए प्लीज, तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूं। आइए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज मूव। डोंट वरी, डोंट वरी।
बोल रहा हूं। हाँ किसका फोन था बेटे? मां मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। लेकिन अचानक ऐसा क्या काम आ गया? बता दूंगा मां बता दूंगा। पर मां मैं आता हूं। अरे बेटा, अरे आकाश सुन तो। बेटा मैं काम से बाहर जा रहा हूं। नहीं जाने का। जान। हे आकाश, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मैन। चल आज के मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल, बैठते मजा आएगा। चल नहीं बल्बी, बलबीर वही हुआ जिस बात का डर था, लेकिन मैं कुछ जरूर करूंगा। मैं उस राज को राज ही रहने दूंगा। क्या कह रहा है तू यार? हां बलबीर, तू तो सब जानता है, मैं मां के और कोमल की जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। क्या बात कर रहे है दोस्त? तू बिल्कुल चिंता मत कर, आखिर दोस्त होते किस लिए? तेरा हर राज मेरे सीने में हमेशा हमेशा महफूज रहेगा। आई प्रॉमिस। मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुकी हूं कि यह खून मैंने नहीं किया। तो फिर आप रूम नंबर 105 में क्या करने गई थी? होल्ड, जस्ट होल्ड। मीट माय लॉयर, एडवोकेट अनिल सक्सेना। एसीपी साहब, आप जबरदस्ती हमारे वकील को परेशान नहीं कर सकते और न ही इनसे कोई सवाल पूछेंगे। क्यों? क्योंकि जिस कत्ल का इल्जाम आपने इनके ऊपर लगाया है, उस कत्ल के कातिल ने अभी अपने आप को कानून के हवाले किया है। क्या? जी हाँ, अभी कुछ देर पहले उसने कमिश्नर साहब के सामने अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। हेलो। हाँ सर। सर ठीक है सर, जब कातिल ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है तो मैं रोमा जी को छोड़ देता हूं सर। ठीक है सर। सर मेरी एक गुजारिश है सर, ये इतनी जल्दी अपने आप को केस से अलग नहीं कर सकते। वाजिब है सर। ठीक है सर। ठीक है वकील साहब, आप इन्हें ले जाइए। बॉबी के कत्ल के जुर्म में कर्नल आकाश ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। क्या बात? बात क्या हो गई? एक बेगुनाह को पकड़कर आप पुलिस स्टेशन ले आए, एक इज्जतदार औरत चीखने चिल्लाने के सवार कर भी क्या सकती है? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे भी देख लूंगा तुम्हें। I'll see to it. Come, come, come. सर कुछ कातिल जो होते हैं ना, वो बड़े शरीफ किस्म के होते हैं। अब आप देखिए ना, हमने एक औरत को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया, वो भी सारे सबूतों के साथ। उसे होटल के कमरे में जाते हुए कई लोगों ने देखा, उसके बावजूद एक आदमी आकर कहता कि कत्ल उसने किया है। सर मुझे तो लगता है कि बड़ी पुरानी प्रेम कहानी है। बड़ा मजा आएगा सर इस केस में, क्योंकि टॉपिक भी तो मेरा है। यू सी सर, ये मोहब्बत जो है ना, ये बड़े बड़े लोगों को दीवाना बना देती है। मुझे लगता है कि दिस इज अ ट्रेजेडी ऑफ इटर्नल ट्रायंगल। अजय मेरी एक बात मानोगे? सर मानोगे सर, बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, मेरा दिमाग मत चाटो प्लीज। ठीक है सर, मैं तो खामोश हो जाऊंगा, लेकिन एक बात कह देता हूं सर, इस पर्दे के पीछे जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है सर। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्या जानते हैं सर आप? अजय तुमने देखा था जब बाबी अभी मैंने कर्नल आकाश का नाम लिया था तो रोमा महाजन की चीख निकल गई। क्या बात है सर। सर सर आप बड़ी गहराई में जाकर देखते हैं सर, मान गया सर आपको। कर्नल आकाश
मुझे विश्वास ही नहीं होता कि आपने बॉबी का कत्ल किया है और जुर्म का इकबाल करने आप मेरे घर तक आ गए। आप जैसा वतन परस्त और जाबाज सिपाही एक हिस्ट्री शीटर का कत्ल करता है, बड़ी अजीब सी बात है। कमिश्नर साहब, बात यह अजीब है लेकिन है सच। पुलिस एक बेगुनाह को गिरफ्तार करती है जबकि कातिल मैं हूं, पर मैं अगर चुप बैठता हूं तो मेरा जमीर मुझे लानत भेजता है। लेकिन कर्नल साहब, आपने खून क्यों किया? एसीपी विजय, अच्छा हुआ आप आ गए। कर्नल साहब, आपने बताया नहीं आपने खून क्यों किया। इस बात से आपका क्या लेना देना? लेना देना है कर्नल साहब। किसी भी इंसान के इकबाले जुर्म कबूल कर लेने से वो इंसान कातिल तो नहीं बन जाता। हमारे पास रोमा महाजन के रूम नंबर 105 में मौजूद होने के साथ साथ और भी सबूत मौजूद है, फिर आप कातिल कैसे हो? एसीपी विजय, कत्ल के वक्त मैं उसी होटल के कमरा नंबर 106 में मौजूद था। इस बात का प्रूफ होटल के रिकॉर्ड्स में है। मैं अपने कमरे से बाहर निकला पर देखा कि 105 नंबर का दरवाजा खुला है। मैं अंदर गया। एसीपी विजय, बॉबी एक कमीना शख्स था, कातिल था, लुटेरा था, ब्लैकमेलर था। आप ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब, बॉबी रोमा महाजन को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सब बेकार की बातें हैं, वाहियात बातें हैं। नहीं कर्नल साहब, ये बेकार की बातें नहीं है। बॉबी ने अपने कमरे में से एक बार नहीं तीन मरतबा फोन किया था। मिसेस महाजन उसके रूम में आई, ये होटल की रिसेप्शनिस्ट ने देखा था, बेल बॉय ने उसकी शिनाख्त की, उसे पहचाना। खैर कर्नल साहब, हम इस बात का पता तो जरूर लगा लेंगे कि आप रोमा महाजन को क्यों बचाना। कौन रोमा महाजन? मैं किसी रोमा महाजन को नहीं जानता। और एसीपी साहब, मैं अपने कातिल होने का एक सबूत और पेश कर सकता हूं, पर वो है खंजर, जिस खंजर से मैंने कत्ल किया था, जो शायद इस वक्त आपके पास होगा, और जो मेरे पास एक सोविनेर की तरह था। खैर जो भी हो कर्नल साहब, मुझे आपकी गिरफ्तारी पर बेहद अफसोस है, मगर क्या किया जाए, कानून कानून है। सर, इस केस में तो कुछ दम ही नहीं रहा, यह तो अपने आप ही सॉल्व हो गया। यह तो वही बात हो गई सर कि बॉलर ने बॉल फेंकी नहीं कि बैट्समैन अपने आप ही हिट विकेट हो गया। क्या बात है सर? आप बैट्समैन के आउट होने से मेरा मतलब है इस केस के सॉल्व होने की बात से खुश नहीं हुए? अजय, ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने तो इस केस के सॉल्व होने की खुशी में रात को पार्टी का बंदोबस्त कर लिया था। फिलहाल तुम वो पार्टी मुलतवी कर दो, क्योंकि ये केस सॉल्व होने के बजाय उलझ गया है। ठीक है सर, अब अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन आपका शक किस पर है? शक किसी पर भी हो जाए, लेकिन एक बात जाहिर है, कर्नल आकाश कातिल नहीं है। उसकी वजह? उसकी वजह है कर्नल आकाश का पुलिस के सामने सुरेंडर हो जाना। सर लेकिन यह बात तो अब आम सी हो गई है, हमने कई केसेस में ऐसा देखा है कि मुजरिम गुनाह करने के बाद खुद सरेंडर कर देता है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। अजय, हैरानी इस बात की नहीं है कि कर्नल ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर किया है, बल्कि हैरानी है इस बात की है कि उससे सरेंडर होने का ख्याल तब आया जब हमने रोमा को गिरफ्तार कर लिया था। इस बात से शक पैदा होता है कि उसने रोमा की जान बचाने के लिए अपनी गिरफ्तारी दी है। बात में दम तो है सर, लेकिन यह शक दूर कैसे किया जाए? इसका एक ही तरीका है, कर्नल आकाश का पास्ट। आकाश, रोमा तुम
हाँ मैं। रोमा तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इससे पहले कि तुम्हारे यहाँ पर आने की किसी को खबर हो जाए तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। पहले मुझे बताओ तुमने ये सब क्यों किया? रोमा मैं पहले ही बहुत गलतियां कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत पर कोई आ जाए। तुम प्लीज यहां से चली जाओ। और हाँ, हो सके तो मेरे जाने के बाद मां और कोमल का ध्यान रखना। रखोगी ना? मैं आप ही को फोन करने वाला था। बॉबी मर्डर केस की फाइल तैयार है। थैंक यू। ये नैपकिन और खंजर पर जो खून लगा है वो बॉबी का ही है। मेरा अनुमान है ये कत्ल 8:45 के बीच में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल उस वक्त बॉबी के आसपास था, क्योंकि रोमा ठीक 9 बजे होटल पहुंची थी। एग्जैक्टली इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि यह कत्ल 9 बजे हुआ या 9:01 पर या 2 मिनट पर। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर, रोमा बॉबी का मर्डर कर सकती? हाँ, रोमा भी बॉबी का मर्डर कर सकती है। और यह भी हो सकता है कि रोमा ने कातिल को 1-2 मिनट पहले मिस किया होगा। अगर रोमा कातिल नहीं होती तो जरूर उस कातिल से टकराती। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। आपका ख्याल बिल्कुल सही है विजय साहब। बॉबी कमरा नंबर 105 में अमरजीत के नाम से रुका हुआ था। उस वक्त कमरा नंबर 104 में जो गेस्ट रुका हुआ था वो कत्ल के बाद दोबारा कमरे में वापस नहीं आया। उसने अपना नाम वीके सूरी लिखवाया। ये उसके दस्तखत मौजूद है इस रजिस्टर में। एक बात बताइए मैनेजर साहब, अगर वीके सूरी दोबारा आपके सामने वापस आ जाए तो आप उसे पहचान लें? मुश्किल है सर। अब कितने लोग होटल में आते जाते हैं, कोई खास या परमानेंट कस्टमर हो तो उसको पहचानते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आने वाले को पहचानना बहुत मुश्किल है सर। थैंक यू मैनेजर। ओके वेलकम। मैं देखती हूँ। आप? जी, मैं आप ही से मिलने आया। जी। क्या मैं अंदर आ सकता? आइए। थैंक यू। ऐसी भी तुम? या फिर कोई नया इल्जाम मेरी बीवी पे लगाने आया हो? नहीं विनोद साहब, मैं आपको आगाह करने आया हूं कि कुछ दिनों के लिए रोमा जी को घर से बाहर ना जाना। क्यों? दरअसल बात यह है विनोद साहब कि बॉबी का कत्ल 2 आदमियों की साजिश का बहुत बड़ा नतीजा है, जिसे कर्नल राजपाल ने बड़ी खूबसूरती के साथ खेला है। कत्ल वाले दिन कर्नल राजपाल होटल जसलोक के रूम नंबर 106 में ठहरा था। रूम नंबर 104 में वीके सूरी नाम का शख्स ठहरा था, जिस बात का पता हमने होटल के रजिस्टर से किया है। कत्ल करने के बाद कातिल बड़ी खूबसूरती के साथ वहां से फरार हो गया। हो सकता है ये वीके सूरी नाम का शख्स ही कर्नल राजपाल का दोस्त हो। इस बात की तस्दीक करने के लिए मैंने इंस्पेक्टर अजय को पुलिस हेडक्वार्टर भेजा है ताकि पता लगा सके कि कर्नल साहब के करीबी दोस्त कौन से। लेकिन इन सारी बातों का मेरी बीवी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, क्योंकि जो आदमी फरार हुआ है वही कातिल है। इसलिए हम चाहते हैं कि कातिल कानून की गिरफ्त में आने से पहले रोमा जी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा सके।
मैं रोमा को अपनी नजरों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगा। डोंट वरी, मैं चलता हूं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। आकाश, बलबीर, क्या बात है बलबीर? लगता है दोस्त किस्मत हमारे साथ है। मुझे पूरा यकीन है कि तू अदालत से बहुत जल्दी छूट जाएगा। मैंने वकील से बात कर ली है। लेकिन बलबीर, आकाश, होटल की सच्चाई को मेरे और तेरे अलावा भला और कौन जानता है? सब ठीक हो जाएगा यार, बस तू अब ये समझ ले कि इस राज से कभी पर्दा नहीं हट पाएगा। चलता हूं। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर वी के सूरी और विनोद महाजन। अजय, ले चलो इसे। चलो सर, इस केस की तहकीकात की शुरुआत में सारे सबूत रोमा के खिलाफ थे, लेकिन कर्नल राजपाल में इसमें शामिल होकर सारे केस को बदल दिया। शायद मैं असली मुजरिम तक कभी नहीं पहुंच पाता अगर मैं कर्नल राजपाल के घर नहीं गया होता। आप कौन है? मैं अंकल हूं बेटा। पापा घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप तो है ना, बड़ी प्यारी बच्ची हैं आप। कौन है बेटे? दादी कोई मिलने आए हैं। नमस्कार पाजी। नमस्ते, आप कौन हैं? मैं एसीपी विजय हूँ, क्राइम ब्रांच। जाओ बेटे, अंदर जाकर खेलो। जी कहिए। मरी आपके बेटे कर्नल आकाश ने कत्ल के इल्जाम में अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। भला मेरा बेटा किसी का कत्ल क्यों करेगा? मजी, हम भी हैरान हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात का है वो किसी और को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं। किसे बचाने के लिए? एक औरत है, रोमा महाजन। रोमा? क्या आप जानती हैं उसे? मैं हां बेटे, मेरा बेटा और रोमा दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, बात शादी तक पहुंच गई थी। उसी दौरान आतंकवादियों ने मेरे बेटे को पकड़ लिया, मगर कुछ अच्छे बाद ये खबर मिली कि वो मारा गया है और एक जली हुई लाश उन्होंने हमें भेज दी। मैं तो अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी कर चुकी थी। इधर रोमा कर्नल राजपाल के बच्चे की मां बनने वाली थी, उसने बदनामी के डर से शिमला जाकर एक बच्ची को जन्म दिया। रोमा के पिताजी ने बच्ची की पैदाइश को राज में रखकर रोमा की शादी विनोद महाजन से कर दी। अचानक एक दिन कर्नल राजपाल वापस आ गया उस बच्ची को लेकर जिसे रोमा ने शिमला में जन्म दिया था। शायद यही राज बॉबी को मालूम पड़ गया था, जिसकी वजह से उसने रोमा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सर, रोमा ने डरकर कर्नल राजपाल को फोन किया। राजपाल ने बॉबी को रास्ते से हटाने की ठानी,
उसने जसलोक होटल में रूम नंबर 106 बुक किया, उसी रूम के साथ जिसमें बॉबी ठहरा हुआ था। लेकिन रोमा और कर्नल राजपाल नहीं जानते थे कि विनोद महाजन को भी इस बात का पता चल चुका है और यह वहां बीके सूरी के नाम से 104 नंबर रूम में ठहरा हुआ है। इसने बड़ी सफाई के साथ उस खंजर से बॉबी का मर्डर कर दिया जो खंजर कर्नल राजपाल ने इन्हें भेंट के रूप में दिया था। क्यों मिस्टर विनोद महाजन उर्फ वीके सूरी, अभी भी कुछ कहना है आपको? जी बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बॉबी का कत्ल मैंने नहीं किया। रात ऑफिस से जब मैं घर लौटा तो रोमा फोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने अचानक फोन काट दिया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, कांप रही थी। मैं समझ गया कि फोन पर बात करने वाले ने जरूर किसी न किसी किस्म की धमकी जरूर दी है। फ्रेश होने का बहाना करके मैं बाथरूम में चला गया कि तभी फोन की घंटी दोबारा बजी। मैंने दूसरे कमरे से सारी बातें सुन ली। रोमा जी, लगता है आपके पति देव शायद बाथरूम में नहाने गए। मैंने ठीक कहा? देखो तुम जो कोई भी हो, आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना प्लीज। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको फोन ना करूं तो कल रात ठीक 9 बजे होटल जसलोक में आ जाइए। मैं बाहर नहीं आ सकती। सोच लीजिए, अगर आप नहीं आए तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो। होटल जसलोक रूम नंबर 105 कल रात 9 बजे। मैं अपने घर की इज्जत को बाजारू नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने होटल जसलोक का कमरा नंबर 104 वीके सूरी के नाम से बुक करा लिया। दूसरे दिन रात को रोमा के वहां पहुंचने से पहले ही मैं बॉबी के कमरे में पहुंच गया। मिस्टर महाजन आप? सुना है तुम्हारे पास मेरी पत्नी का कोई राज है, क्या है वो राज? हर राज बताने की कीमत लेता है बॉबी, आप क्या दे सकते? कीमत तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। ये लोग कीमत इस तरह मैंने बॉबी को खत्म कर दिया। नजर में मैं गुनहगार हूं, कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन एक गुजारिश है आपसे। मेरी जिंदगी के इस हादसे को प्रेस और टेलीविजन मीडिया से प्लीज दूर रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी रोमा की इज्जत पे कोई भी आ जाए। मिस्टर महाजन, क्योंकि ये केस जज्बात और घर की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि कानून और अदालत आपके साथ नरमी के साथ पेश आएगी। ले जाओ इन्हें। इतना प्यार करते हो मुझसे?
तुमने ये राज बरसों मुझसे न छुपाया होता तो जो कुछ मैंने किया वो उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी बेटी कोमल का हमेशा ख्याल रखना। This case is a tragedy of eternal triangle. सर, ये केस सॉल्व करने के बाद बहुत कूल लग रहे हैं आप। लीजिए सर, taste the thunder.